नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। प्रत्येक महानगर में एक नगर निगम की स्थापना की जाती है। ये नगर निगम क्षेत्र में होने वाली सभी दायित्वों की पूर्ति देखरेख करती है। नगर में साफ सफाई से जुड़े सभी कार्यों को कर्मचारियों द्वारा करवाया जाता है। प्रत्येक नगर पालिका में एक महापौर यानी कि मेयर होता है, जिसे नगर का पहला नागरिक भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महापौर चुनाव की। जी हाँ, कांग्रेस ने 16 में से 8 नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। अब ये चर्चा में क्यों है जब नाम फाइनल हो चुके, इसके बारे में आप बात करते हैं। बाकी 8 पर घमासान मचने लगा है। जी हाँ, पहला विवाद ग्वालियर से सामने आया है, जहां कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार का नाम महापौर प्रत्याशी के लिए आया गया है। इसके बाद जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पत्नी रीमा का नाम आगे कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस एक दो दिन में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी फाइनल कर देगी। अब चुनाव में सभी लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन किसी एक को टिकट मिल पाता है। हम इसमें किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने वाला फैसला करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस पार्टी में खींचातान के सवाल पर कमलनाथ ने आगे कहा कि मैं 45 साल से राजनीति कर रहा हूं, सब लोग अच्छा काम करते हैं और टिकट तो सभी को चाहिए। ऐसे में कभी कभी तनाव हो जाता है। भोपाल से मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल का नाम तय हुआ है। और यदि इंदौर की बात करें तो इंदौर से विधायक संजय शुक्ला और जबलपुर से जिलाध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नु को टिकट प्राप्त हुआ है। सागर से पूर्व विधायक सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। अब विभा ने 1999 में महापौर का चुनाव लड़ा था और भाजपा की राजू मालवीय को हराया था। 2008 की यदि बात करें तो 2008 में पार्टी उन्हें गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा चुकी है। हालांकि वे उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई थी। पार्टी ने उन्हें मार्च में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त भी किया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का उनको समर्थन हासिल है और उनका भोपाल में व्यक्तिगत संपर्क भी काफी हद तक अच्छा है। अब यदि बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन से तराना विधायक महेश परमार का नाम भी लगभग तय ही है। मुरैना में शारदा सोलंकी और अर्चना मालवीय में से एक नाम तय होना अभी बाकी है, इसका डिसीजन लेना अभी बाकी है। तो रीवा में अजय मिश्रा के नाम पर सहमति अभी बन रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं। कांग्रेस ने ग्वालियर में विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार को महापौर चुनाव लड़ाने का मन बनाया था, लेकिन एक राय इस पर नहीं बन पाई, नहीं हो पाई। पार्टी के ग्वालियर से जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात कर पत्नी को ही टिकट देने के लिए तार ठोक दी है। जी हाँ, ग्वालियर नगर निगम के लिए प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री मुकेश जी की यदि बात करें, नायक कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य कैसे बनता है और कैसे कुछ ये सब चलता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा वोकल न्यूज पर।